एक बार एक कार वाला दुकान वाले के पास में कुछ सामान लेने के लिए आता है और गाड़ी को रोकता है। उसके बाद वो दुकान वाले को पैसे देता है, तभी दुकान वाला उससे पैसे लेता है और बदले में उसको चीज दे देता है। वही पीछे से एक आदमी आता है और कार में बैठे आदमी के हाथ में सोने के ब्रेसलेट को देख लेता है और उसके मन में लालच आ जाता है और वो कार के पीछे खड़ा होकर उस आदमी को नोटिस करता है और बाएं दाएं देखता रहता है। उसके बाद में दुकान वाला उसको फिर से सामान देने के लिए आता है, तभी पीछे खड़ा आदमी ये सब चीजें नोटिस करता है। जैसे ही कार चलने लगती है तो ये भाई साहब कार में बैठे आदमी के हाथ का ब्रेसलेट छीन के भागने लगते हैं। तभी पीछे से दो लड़के आते हैं और इसको पकड़ के मारने लगते हैं। तभी कार में से पुलिस ऑफिसर भी बाहर आ जाता है। तो देखा आपने कि इस चोर की किस्मत कितनी खराब थी। एक बार एक रिक्शा वाला एक प्रेग्नेंट औरत को लेके जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसका रिक्शा खराब हो जाता है। तभी वो रिक्शे को साइड में लगाता है और बाकी लोगों से हेल्प मांगता है कि वो प्रेग्नेंट औरत को कोई हॉस्पिटल तक पहुंचाए। बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई नहीं रुकता। उसके बाद में एक पास ही से कार गुजरती है। थोड़ी देर बाद वो कार रिवर्स आती है और रिक्शे वाले के पास आके रुकती है। तभी उस कार में से एक छोटी सी लड़की उतरती है और देखती है कि रिक्शे में एक प्रेग्नेंट औरत बैठी है। तभी वो कार में वापस जाती है और पानी की बोतल लेके उस प्रेग्नेंट औरत को देती है और पानी पीने के लिए बोलती है। और उसके बाद वो छोटी सी लड़की कार में वापस जाती है और अपने पापा को बुला के लाती है। तभी उसके पापा उस प्रेग्नेंट औरत को अपनी कार में लेके जाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। तो गाइस, इस छोटी सी लड़की की मदद से ये प्रेग्नेंट औरत टाइम पे हॉस्पिटल जा पाती है। गाइस, इस छोटी सी ईमानदार लड़की के लिए एक लाइक तो बनता है। एक बार एक हस्बैंड और वाइफ स्कूटी से जा रहे होते हैं, तभी वाइफ का नेकलेस रोड पे गिर जाता है। तो पड़े हुए नेकलेस को एक पास ही में खड़ा वॉचमैन देख लेता है। वॉचमैन उस नेकलेस के पास जाता है और उस नेकलेस को उठा के अपनी जेब में डाल देता है। उसके थोड़ी देर बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसी जगह पे वापस आते हैं और वो हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत ही भला बुरा कहता है और इस नज़ारे को पूरा वो वॉचमैन देख रहा होता है। तभी वॉचमैन उन दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तभी वो दोनों बोलते हैं कि हमारा यहाँ पे नेकलेस खो गया है। उसके बाद में वॉचमैन अंकल उस नेकलेस को अपनी जेब से बाहर निकालते हैं और बोलते हैं कि ये है क्या तुम्हारा नेकलेस। उसके बाद वो औरत जल्दी से राजी हो जाती है और बोलती है हाँ यही है। उसके बाद वो अंकल उसको देने के लिए मना करता है और एक डायरी लाता है और उस डायरी में उन दोनों की डिटेल्स को फिल करने के लिए बोलता है। दोनों अपनी डिटेल फिल करते हैं। उसके बाद वो हस्बैंड उस वॉचमैन को कुछ पैसा देना चाहता था लेकिन औरत उससे मना कर देती है। औरत को हस्बैंड मना बोल देता है और वॉचमैन को जबरदस्ती पैसा देने की कोशिश करता है लेकिन ईमानदार वॉचमैन पैसा लेने से मना कर देता है। तो गाइस, दुनिया में अभी भी ईमानदारी मौजूद है और इस वॉचमैन अंकल के लिए एक लाइक तो बनता है। एक गरीब औरत अपनी बच्ची के साथ एक केले वाले ठेले के पास आती है और केले वाले से उसकी बच्ची के लिए एक केला मांगती है लेकिन केले वाला उसको केले देने से मना कर देता है। तभी वो औरत एक पास ही में पड़े खाली बोतल को उठाती है और पानी भरने के लिए उसकी बच्ची को वहाँ पे छोड़ के चली जाती है। केले वाला भूखी लड़की को इग्नोर कर देता है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कुछ लड़की से भी पूछती है लेकिन लड़की रोती हुई बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है और मेरी माँ उधर गई है। और वो बूढ़ी औरत उसको केला खरीद के देती है और उसकी माँ को बोलती है कि अपनी बच्ची को अकेला छोड़ के कहीं मत जाया करो। एक बार ये कपल खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी वहाँ पे एक वेटर उनको बढ़िया से सर्विस देने लगता है। उसके बाद में वेटर से खाना गलती से उस लड़के के ऊपर गिर जाता है जिससे उस लड़के को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो टेबल पे पड़े पानी के गिलास को वेटर के ऊपर फेंक देता है और बिना बिल पे किए वहाँ से उठ के चला जाता है। तो वेटर बहुत ही उदास हो जाता है और रोते हुए टेबल को साफ करने लगता है। तभी उसे उस लड़के का एक मोबाइल दिखता है जिसे वेटर लेके एक सेफ जगह रख देता है और उसके कुछ ही देर बाद वो कपल वहाँ पे वापस आते हैं। वेटर बिना कुछ बोले उसका मोबाइल उसको वापस दे देता है। लड़का वेटर की ईमानदारी से बहुत ही खुश हो जाता है और उसे गले लगाता है और वेटर लड़के से बोलता है कि जो आपने खाना खाया उसका बिल पे कर दीजिए। लड़का खुशी खुशी बिल पे कर लेता है।